अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त से और आसानी के साथ बनने वाले टी टाइम बिस्किट। बिस्किट बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 2 कप मैदा, 1/2 कप पिसी चीनी, 1/2 कप घी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 अदद अंडा। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले चीनी ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे। इन दोनों को विस्क की मदद से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इतना हम इसको मिक्स कर लेंगे कि जो चीनी हमने इसमें ऐड की है, पिसी चीनी, वो अच्छे से इसमें डिजोल्व हो जाए और ये एक पेस्ट सा बन जाए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसको बीट करते हुए और देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, अंडा ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको फेंट लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है। साथ ही हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदा जो है मैंने अच्छे से छान लिया था, आपने भी इसको छान के इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम सारा मिक्स कर लेंगे। 2 दफा करके मैंने इसमें मैदा ऐड करा है। थोड़ा सा हम इसको विस्क की मदद से हिलाएंगे और फिर हम इसको हाथों से गूंद लेंगे। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से गूंद लेना है। बिल्कुल अच्छे से हमने इसको गूंद लेना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसका आटा गूंदेगा और बहुत अच्छी तरह से ये इकट्ठा होना चाहिए, एकदम एक मेक हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमें अंडा जो चाहिए होगा, हम बड़े साइज का अंडा इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको लगे कि आपका डो अगर हार्ड हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा अंडा और फेंट के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ना ज्यादा सॉफ्ट डो चाहिए और ना ही ज्यादा हार्ड डो चाहिए। बिल्कुल जिस तरह हम घर में रोटी का आटा इस्तेमाल करते हैं रोटी पकाते हुए, बिल्कुल इस तरह का हमें डो चाहिए। अच्छी तरह से इसको प्रेस करके इस तरह से हाथों की मदद से आपको एक डो बना लेनी है। देखिए हमने बिल्कुल अच्छी सी इसकी एक डो बना ली है, ये एक डो की शेप में आ गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसको लेंगे और इस तरह हम सिंपल हाथों की मदद से इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि इसमें जो भी क्रैक्स हैं वो खत्म हो जाए। और अब हम इसकी एक बॉल बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक बॉल बना लेनी है और हल्का सा अब हम इसको प्रेस करेंगे ताकि इसके क्रैक्स खत्म हो जाए। साइडों से भी हम इसको इस तरह से कर लेंगे और देखेंगे अब हमारी तैयार है। इसको हल्का सा हमने प्रेस किया है और यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है और इसको मैंने ऑयल या बटर से आप जिससे भी ग्रीस करना चाहें इसको ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हम बना बना के रख लेंगे। इस तरह से ये हमने सारे बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरह से एक एक पिस्ता ऐड कर देंगे और इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी बेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है और इसको मैंने 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था और देखिए ये अच्छा सा गर्म हो चुका है। और अंदर में हमने कोई भी बर्तन रख देना है, आपके पास कोई भी प्लेट हो तो आप वो रख दें। मेरे पास ये केक का पैन था तो मैंने इसको रख दिया है और इस तरह से हमने इसके ढक्कन को कपड़े से कवर कर देना है ताकि इसकी जो अंदर स्टीम बने वो बाहर ना आए। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और सिंपल यहाँ पे जो हमने बिस्किट्स बनाए हैं इनको इस तरह से रख देंगे। ये जो ट्रे हमने रखी है इसको हमने पतीले से टच नहीं करना है, साइड से इसकी स्टीम आनी चाहिए तभी ये अच्छे से बेक होंगे। और अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बेक होने देंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। आहिस्ता से हम इसका कवर हटाएंगे और देखें अब हम इसको सिंपल एक टर्न करके देखते हैं। देखिए जबरदस्त से ये कितने जबरदस्त से ये ब्राउन हो चुके हैं, इसका मतलब है ये तैयार है। और अब हम यहाँ पर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको वापस कवर करके हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर हम इनको अभी डायरेक्ट निकालेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए हम फ्लेम बंद करके इसको वापस कवर करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनको बाहर निकालेंगे। बिस्किट हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और अब मैं आपको एक तोड़ के चेक करवाती हूँ। देखें कितने क्रिस्पी से ये बने हैं।
आप जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।